डिब्री के पूर्व इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा और एक दारोगा समेत 5 के खिलाफ उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज। यूपी के रामपुर में कैमरी के पूर्व इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा और एक दारोगा समेत 5 के खिलाफ उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज की गई है। 3 आरोपियों को छोड़ने के लिए 1.5 लाख की मांग की गई थी, जबकि एक व्यक्ति से 50,000 रुपये लेकर मामूली धाराओं में चालान कर दिया था। पुलिस हिरासत में रखकर मारपीट और धमकाने का भी आरोप लगाया है। मामला थाना कैमरी क्षेत्र के मुंडिया कला गांव निवासी अकबरी बेगम ने भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट बरेली में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि गांव के ही कुछ लोगों से विवाद था, इसकी रिपोर्ट कैमरी थाने में कराई थी। इस मामले में समझौता पत्र भी पुलिस को दिया था। एक अन्य मामले में भी समझौता कराने के लिए पुलिस दबाव बना रही थी। उससे 1 लाख की मांग की गई, पैसा न देने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। पुलिस ने अकबरी के बेटे जावेद को हिरासत में लिया, जिसे बाद में 50,000 लेकर 151 में चालान कर दिया गया और दूसरे बेटे साजिद को छोड़ दिया गया। मेरा नाम डॉक्टर जावेद हुसैन है जी। पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो है आपने जो है आरोप लगाया है, वो क्या है? वो आरोप ये है कि 31 जनवरी 2018 को मेरे भाई को उन्होंने लीगल कस्टडी में रखा, सुशील कुमार वर्मा SHO थाना, तत्कालीन SHO थाना केंद्रीय और संजीव गिरी, इन्होंने मेरे भाई को लीगल कस्टडी में रखकर मुझसे 50,000 रुपये की मांग की, जो मैंने इनको दे दिए थे। मेरे भाई को इन्होंने मारा पीटा, जिसका ऑडियो टेप मेरे पास मौजूद था, और मेरे ऊपर ये दबाव बनाया कि बलवीर सिंह और बल्ली के खिलाफ जो मुकदमे आपने लिखाए हैं उसमें आप राजीनामा कर दीजिए। मैं हाई कोर्ट में मौजूद रहता हूँ, वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम से अपना एफिडेविट कराता हूँ। उसके बावजूद भी सुशील कुमार वर्मा ने मेरे खिलाफ यहाँ पर गलत और नाजायज झूठे मुकदमे लिखे, उसी को लेकर मैं कोर्ट गया। कोर्ट ने वहाँ पर मेरी बात को सच माना और सच मानते हुए उसने FIR का आर्डर किया। उसके बावजूद भी जब FIR का आर्डर हो गया है तो वहाँ से उस FIR में जो आर्डर है वो छाप दिया, जो मेरी मूल तहरीर थी वो नहीं छापी गई और कम धाराओं में मेरा मुकदमा लिख दिया गया है। क्या चाहते हैं आप? मैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं कानून से अपने लिए न्याय की मांग करता हूँ कि मुझे जो है इसमें न्याय मिले। कुछ ऑडियो टेप वगैरह भी उनका आपके पास? हाँ, मेरे पास जिसमें पैसे का लेन देन हुआ है उसका ऑडियो टेप मेरे पास है, जो मैंने उस समय उच्च अधिकारियों के समक्ष भी रखा था और मैंने न्यायालय के समक्ष भी रखा, और जिससे मुझे अब न्यायालय से न्याय मिला है मुझे, और FIR का आर्डर हुआ है। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन मेरी इस लड़ाई में कितनी मदद करता है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम? ये 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण संतोष एडवोकेट नाम है मेरा। जी प्रवीण जी, एक मामला आपके पास आया है जो पुलिस कर्मियों का रिश्वत का है, क्या है पूरा मामला? 2018 में सुशील कुमार वर्मा SHO कैमरी से कुछ विवाद था, इस बात को लेकर जो है एक रिश्वत की मांग की गई थी। इस मामले को इनके पास एडवोकेट भी मौजूद था, मैंने उसमें कुछ कार्रवाई करी थी और कार्रवाई करने के बाद अब अल्टीमेटली 1 साल की लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट नंबर 10 PC 2 बरेली ने इसमें FIR के आदेश करे। इसमें इन लीगल कस्टडी में रखा था, मारपीट करी थी और रिश्वत की मांग करी गई थी, जिसमें 50,000 रुपये का लेन देन का ऑडियो टेप हमारी पार्टी के पास मौजूद है। इसमें कोई कार्रवाई वगैरह भी? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी FIR ही दर्ज हुई है और पुलिस पहले ही दिन से दबाव ये बना रही है कि इस मुकदमे को हम ख़त्म कर दें। पुलिस ने हमारी FIR ना लिखकर जो मेन आर्डर PC 2 न्यायालय बरेली द्वारा किया गया था वो आर्डर ही FIR में उतार दिया है, जो कि बिल्कुल एक संगीन मामला बनता है। ठीक है, दर्ज हुआ है, क्या मामला? इसमें देखिए, ये माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना केमरी में इंस्पेक्टर एक हैं सुशील जी और SI संजीव गिरी तथा 3 अन्य पब्लिक के खिलाफ में भ्रष्टाचार निवारण संगठन भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमा कायम किया गया है और इसकी तफ्तीश प्रारंभ कर दी गई है। अभी जो सही होगा उसी के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।